दूसरा मांग क्या था? हम लोगों का मांग है आप हर हर भाई को सर्वे करते हुए उसे वेंडिंग लाइसेंस दीजिए। हम लोग क्या देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल छोड़कर भारत के हर हर कोने में बस हर जगह राज्य सरकार हर हर भाई को लेकर रिकमेंडेशन दे चुका है और सर्वे करके उसे वेंडिंग लाइसेंस वेंडिंग सर्टिफिकेट दे चुका है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार अभी तक हमारे हर भाई को अभी तक नजरअंदाज करते हुए ये मांगे को पूरा नहीं किया। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर धरना में बैठे हैं। आप लोग जानते हैं भारत का अर्थनीति का बुनियाद जहां पर चलता है वो खेत मजदूर, वो श्रमिक मजदूर, वो हॉकर भाई, वो हमारे मिडिल क्लास, ये हम लोग मिलकर जो लो सर्किट इकोनॉमिक्स है जिसको निम्न वर्गीय इकोनॉमिक्स बोला जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोले थे कि हमारा लो सर्किट इकोनॉमिक जितना स्ट्रांग होगा भारत देश उतना ही स्ट्रांग होगा। ये लो सर्किट इकोनॉमी को बचाने के लिए हम लोग जो मांगे 2014 का केंद्रीय कानून के आधार पर हम लोग मांग रहे हैं वो मांग को आपको पूर्ण करना ही पड़ेगा। हम लोगों का मांगे है कमेटी जब तक गठन नहीं होगा तब तक हॉकर भाइयों का समस्या का समाधान नहीं होगा। यह हॉकर संग्राम कमेटी का मांगे है, यह नेशनल हॉकर फेडरेशन का मांगे है। हम लोग क्या देख रहे, 10 राज्य सरकार भारत में 10 को राज्य सरकार अभी तक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हर हॉकर को दे चुका है, सर्वे करके डिजिटल सर्वे करके उन लोगों को भेंटिंग सर्टिफिकेट दे चुका है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार कारण क्या है ये पता नहीं चल रहा। सामने इलेक्शन है, हॉकर संग्राम कमेटी हॉकर खाएंगे सरकार को समर्थन किया था, लेकिन अगर सरकार हम लोगों को नहीं देखेगा 2015 में रविंद्र सरोवर स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था हर हॉकर को लाइसेंस और वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो अगर नहीं होगा तो हॉकर भाई का ऊपर हमारा जो कंट्रोल है, हमारा जो बात है वो हम लोग रख नहीं सकेंगे। हॉकर भाई क्या करेंगे ये हम लोग कह नहीं सकते। अगर अगर ये घटना घटा तो पश्चिम बंगाल में भूचाल आ जाएगा, ये केंद्र का बीजेपी सरकार का हाथ मजबूत हो जाएगा। अगर केंद्रीय सरकार का बीजेपी का हाथ मजबूत हुआ हमारा बंगाल टुकड़ा हो जाएगा। देश जाति का नाम से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नाम से, खेती मजदूर हॉकरों का जातिवाद का नाम से हमें तोड़ देने का कोशिश कर रहा है। इसका खिलाफ हमारा जो लड़ाई, ये लड़ाई में आपको भी शामिल होना पड़ेगा, ममता बनर्जी को शामिल होना पड़ेगा। अगर शामिल नहीं हुआ तो आने वाला इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा, आने वाला इतिहास हॉकरों का संग रहेगा, आने वाला इतिहास हॉकर गठन करेगा। लेकिन ये इतिहास में अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो इतिहास का पन्ना से आपका नाम एकदम हट जाएगा, मुट जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। क्या आप मानते हैं ये हम लोग के धर्म मन से हम लोग ऐलान करते हैं, हम लोग ऐलान करते हैं हमारे मांगे जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम लोगों का ये लड़ाई चलेगा। हमारा मांगे जब तक पूरा नहीं होगा ऐसे धरना पश्चिम बंगाल का हर कोना में होते रहेगा, और जब तक हमारे मांगे नहीं पूरा होगा तब तक हम लोगों का हॉकर भाइयों का एकता का लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे कोई भी कोई यूनियन कर दे, हॉकर भाई सब एक है। अगर मेरा बगल वाला हॉकर का ऊपर पुलिस प्रशासन अत्याचार कर